थाना राया क्षेत्र के ग्राम कपूर में दबंग लोगों ने दोनों हाथों से विकलांग युवक की ना सिर्फ रुपए छीन लिए बल्कि उसकी बकरी को भी नहर में फेंक दिया। इस मामले में इलाका पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने पर पीड़ित अपनी गुहार लगाने पुलिस अधिकारियों के दरवाजे पर पहुंचा। अपनी गुहार लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचा यह दिव्यांग ग्राम कपूर थाना राया क्षेत्र का रहने वाला गगन है। पटाखा फटने से गगन के दोनों हाथ डॉक्टरों को काटने पड़े। इसके बावजूद गगन नौकरी आदि कर अपने परिवार का गुजर बसर करता है, लेकिन गांव के कुछ दबंग लोग बगैर किसी बात के उसके ही पीछे पड़े हैं। यहां तक कि गांव के दबंगों ने एक ढाबे पर काम करने वाले गगन की जेब से 1600 रुपए छीन लिए और उसकी बकरी को नहर में फेंक दिया। दिव्यांग अपनी शिकायत लेकर थाने पहुँचा, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं की। इस पर वह अपने परिजनों के साथ एसपी कार्यालय पहुँचा। बाकी लोग हैं मेरे पैसे पैसे मांगते हैं और मैंने होटल का काम किया था, मैं होटल का भी छुड़ा दिया दबंग गिरी से उन्होंने। फिर मैं बकरा बकरियाँ चराने गया तो मेरी बकरियाँ भी मार दी, तो मेरी जब मैं 1600 रुपये थी वो भी छुड़ा दी। और सुबह मैं रिपोर्ट करने जाऊँगा, सरे रिपोर्ट करने जाएगा, हम उसको गैर मार देंगे। अच्छा तो ये बताओ, तुमसे दुश्मनी क्यों मानते हैं? पता नहीं, मेरे पैसे 2000 रुपये महीना मांगते हैं। कौन लोग हैं वो, नाम क्या है उनके? उनका नाम रमेश है और तो तुमने पुलिस से शिकायत नहीं करी? पहले उन्होंने मना